आप लोगों को सभी को पता है कि आज अयोध्या के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो आयोजित की गई है उसको लेकर के पूरा देश भर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे से गूंज रहे हैं और भगवामय हो चुका है। और अगर हम आज जमशेदपुर शहर की बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम की तो कहीं ना कहीं यह जमशेदपुर लोह नगरी जो है जय श्री राम और भगवामय के हर मंदिर और हर घर और पूरे दीपावली का जश्न का माहौल आज मनाया जाएगा। तो आज जमशेदपुर जो जिला पुलिस प्रशासन की बात करेंगे तो एक तरफ अयोध्या राम मंदिर और जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश की तैयारियां की बात करेंगे और दूसरी तरफ विधि व्यवस्थाएं पर जो जमशेदपुर पुलिस और जो जिला पुलिस नज़र बनाए रखी हुई है उसको लेकर के पिछले आप देखेंगे कि 3-4 दिनों से लगातार विधि व्यवस्थाएं को लेकर के पैदल मार्च कर रहे हैं हर थाना प्रभारी के द्वारा और जो जिस तरह से जवानों के द्वारा और जो यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा कई ऐसे दिशा निर्देश दिए गए थे जो यहाँ के उपायुक्त महोदय थे मंजुनाथ भजंत्री सर उनके द्वारा भी कई ऐसे दिशा निर्देश दिए गए थे। मंदिरों में अलग अलग चौक चौराहों में विशेष निगरानी की गई है और अलग अलग QRT की टीम जिसमें कि अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की गई है जिसमें कि CRPF बल की भी तैनाती की गई है। और अगर हम बात करेंगे तो बड़े बड़े मंदिरों में या फिर ऐसे कई ऐसे संस्थान हैं और जो कि चिन्हित स्थल हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की विशेष निगरानी है और CCTV कैमरे की निगरानी से कंट्रोल रूम से पूरी तरह से शहर की विधि व्यवस्था हो या फिर कई तमाम ऐसे चीज़ों पर जो जिला प्रशासन है वो नज़र बनाए रखी हुई है। तो आज जो इस प्राण प्रतिष्ठा का जो विशेष निगरानी है शहर में खुशियाँ भी काफ़ी नज़र आ रही है। एक एक जो राम भक्त हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग मंदिरों में जय श्री राम के नारे और फताके से लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे तो वाहनों में भी कई ऐसे फताके, बिल्डिंग्स में कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे मंदिर हैं, सभी जगह आपको एक ही नारा नज़र आएंगे, जय श्री राम जय श्री राम। तो इस संबंध में जो शहर के विधि व्यवस्था पर तमाम व्यवस्थाएँ पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और आप किसी भी तरह की अगर ऐसी सूचना मिलती है तो आप जो नज़दीकी आपकी जिला प्रशासन है या फिर थाना है या फिर किसी भी तरह की जो सूचना केंद्र है उसमें आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं ताकि ऐसे शांति माहौल और वातावरण जमशेदपुर शहर की बनी रहे। तो इस संबंध में जो है जमशेदपुर के उपायुक्त जो हैं उनसे जुड़ते हैं, मंजुनाथ भजंत्री सर से उनसे जुड़ते हैं और तमाम जानकारियाँ लेते हैं। प्रशासनिक रूप से क्या क्या तैयारियाँ की? आज पूर्वी सिंहभूम में विधि व्यवस्था को हम लोग संधारण के लिए सभी जगह दंडाधिकारियों का प्रतिनिधित्व की गई थी और सभी जगह वरीय पुलिस पदाधिकारियों भी और फोर्स तैनात थे और हम लोग यहाँ 2 कंपनी रैफ का भी हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किए हैं और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं और आम जनताओं से भी हम लोगों ने पहले से भी अपील किए हुए थे कि शांतियुत तरीके से सारे कार्यक्रम को करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी लोगों से हम लोगों को काफ़ी भरपूर सहयोग मिली है और लगातार कंट्रोल रूम में हम लोगों का टीम सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं कल से ही और रात भर सभी जगह पेट्रोलिंग भी चल रही थी, अलग अलग मंदिरों में चौक चौराहों में जा रहे थे, देख रहे थे और लोगों से संपर्क में भी रह रहे थे। और अभी भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि कल सुबह तक भी सभी लोग सतर्कता बरते और किसी तरह का भी कोई भी भ्रामक तथ्य या सूचना या कोई आती है तो इमीडिएटली वहाँ लोकल थाने को या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को सूचना देंगे, कोई भी उत्तेजित नहीं होंगे और जो प्रशासन से सहयोग में रहेंगे। सर विशेषकर बड़े मंदिरों में जमशेदपुर में क्या? तो हम लोग जो सेंसिटिव पॉइंट्स जो कहा जाता है जहाँ जहाँ बड़े मंदिर हो गए या ऐसे इलाके जो संवेदनशील है वहाँ हम लोगों ने अधिक संख्या में बल और वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स को एज ए दंडाधिकारी हम लोगों ने स्टैटिक डिप्लॉयमेंट भी किए हैं और वहाँ जो कोऑर्डिनेशन के लिए वहाँ के लोग जो हैं उनसे लगातार हम लोग संपर्क में। देखिए आज जितने भी हमारे यहाँ PCR हैं और जो बाइक पेट्रोल है जो कि 2400 घंटे एक तरीके से शहर में लगातार गश्त में रहते हैं और किसी भी प्रकार की डिस्ट्रेस कॉल आने पर शिकायतकर्ता को एक तरीके से सहायता पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन सब की ब्रीफिंग जो है अभी की गई है कि आने वाले समय में खासतौर पर 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए और बाकी अन्य भी जो विधि व्यवस्था संबंधी जो चुनौतियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए लगातार फील्ड में सक्रिय रहें,
कंटिन्यूस एंटी क्राइम चेकिंग चलाते रहें, और ख़ास तौर पर अगर कहें तो जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे धार्मिक महत्व के जितने भी संस्थान हैं, वो चाहे मंदिर हों, चाहे मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों, जितने भी इस प्रकार के धार्मिक महत्व के संस्थान हैं, वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग करें। अभी अगले 3-4 दिनों में कई जगहों पर इस प्रकार के जो है पूजा अर्चना वगैरह बहुत जगहों पर की जा रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन सब की ब्रीफिंग की गई है। खासतौर पर रात्रि के दौरान भी इन्हें लगातार सक्रिय रहने के लिए कहा गया है, और जितने भी इस प्रकार के सेंसिटिव लोकेशंस हैं लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब जगहों पर लगातार लोगों से संपर्क में रहने के लिए कहा गया है, और लोगों के साथ एक प्रकार से समन्वय बनाते हुए काम करने का निर्देश दिया।